अरे पहले लगत में सपना सा नादान है शिव की सदा ही शिवानी है और शंका ही ये समानी है। जब सती के मन में शंका हुई प्रभु राम विलाप करते हुए जा रहे हैं, शंका हुई का ये नारायण का अवतार नहीं है। तो जब शंका हुई शंकर जी ने कहा परीक्षा ले लो और प्रभुता न प्रभु की जानी है और माने की मन मानी है। और मनमानी क्या की, सीता का रूप धारण किया। अब देखिए और तन परिवर्तन करके चलती अतन परिवर्तन करके चलती बन को गमन। अब देखना सती जी बन गई सिया करके मन में मनन। तो सती जी बन गई सिया करके मन में मनन। सती जी बन गई सिया मन में होके मनन। जिसने सीता का रूप धारण किया आदरणीय जी, पहली देवी सती जी ने सीता का रूप धारण किया और दूसरी देवी देखे किसने सीता का रूप धारण किया। क्या बात है,
अरे माया में मन भर माया है ए सीता जी का रूप धारण कर मूलकासुर का वध किया और माया में मन भर माया है और जाना नमा की माया है और शक्ति वो ऐसी शक्ति है पल में कुछ भी कर सकती है और कर लेकर कर बाल चली माँ कर लेकर कर बाल चली माँ करने हलन तो काली बन गई सिया करके मन में मना काली कर गई सिया अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ ये होता है कि औरतें पति का जूठा क्यों खाती हैं? तो सुनिए, एक बार प्रभु राम गए, बहुत भूख लगी, तो एक शिबिरी से कहा कि यहाँ हमारे खाने के लिए कुछ है, तो शिबिरी ने कहा कुछ औरतें माँ का भोग लगाने मंदिर में जा रही हैं, तो ऐसा करो आप उनसे भोजन मांग ले। प्रभु राम ने उन स्त्रियों से कहा कि हमें भूख लगी है, आप हमें भोजन दे। तब औरतें कहने लगी, स्त्रियां कहने लगी, कहा प्रभु पहले हम देवी का भोग लगाएंगे और उसके बाद आपको भोजन मिलेगा। और जैसा ही वो स्त्रियां देवी माँ के मंदिर के बाहर पहुंची कि किवाड़े बंद हो गए, अंदर से आवाज आई कि जब तक तुम प्रभु राम को भोजन नहीं कराओगी मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। कहा पहले उन्हें भोजन कराओ और उसके बाद जो जूठा बचेगा वो मैं खाऊंगी। आगे आगे स्त्रियां जा रही, पीछे पीछे माँ दुर्गा सीता का रूप धारण करके जा रही है, तो कहने लगा आते राम जी वन में है करके
चलिए प्रयास जो आपने छोड़ा हो शायद निकल आए। एक बार कि मन में वशिष्ठ मुनि के मन में बात समा गई कि ऋषिवरी के मन में है भाई है सीता, अरे वहीं पर आई है, लेकिन आई कैसे? कैसे कामरिया जी कैसे आई? कि चमत्कार को नमस्कार, कि चमत्कार को नमस्कार, अरे करते हैं नमन, कि चमत्कार को नमस्कार, अरे करते हैं रमन। तो बन गई सोने की सिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कि बन गई सोने की सिया मन में राघो मदन। मन में राखो मगन, एक और लीजिए टुकड़ा जो आपकी तीन तीन पंक्तियों में पंक्ति बंधी थी, तो एक टुकड़ा और दे रहे हैं, सुनिएगा। जवाब थोड़ा दो लेकिन मजबूत है, तर्ज में भी मर्ज में भी। एक बार भगवान राम ने कि लीला अरे हरि ने रचाई है, क्या बात है, कि लीला अरे हरि ने रचाई है, तो बन में समा गई कि अग्नि
निकली अरे सियापन आई है। बन गई छाया की सिया, बन गई छाया की सिया।